महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए औरंगाबाद सेंट्रल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम के उम्मीदवार नासिर सिद्दीकी के समर्थन में एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने क्षेत्र में पैदल दौरा किया। असदुद्दीन ओवैसी का यह दौरा क्षेत्रीय लोगों के बीच भारी उत्साह का कारण बना। इस दौरान ओवैसी ने स्थानीय निवासियों से अपील की कि वे 20 नवंबर को ईवीएम पर 12 नंबर के बटन जो कि पतंग का प्रतीक है उसको दबाकर नासिर सिद्दीकी को भारी मतों से विजयी बनाएं। इस पैदल दौरे में ओवैसी ने न केवल अपने समर्थकों से मुलाकात की बल्कि उन क्षेत्रों में भी गए जहां एआईएमआईएम का असर मजबूत हो सकता है। इस दौरे में असदुद्दीन ओवैसी को स्थानीय लोगों के बीच गर्मजोशी और समर्थन मिला और उनका उद्देश्य स्पष्ट था, नासिर सिद्दीकी को विधानसभा में भेजकर औरंगाबाद के विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में मजबूत कदम उठाना। ओवैसी ने इस मौके पर नासिर सिद्दीकी को विधानसभा में आवाज उठाने वाला एक ईमानदार और सक्षम नेता बताया। उनका कहना था कि नासिर सिद्दीकी औरंगाबाद के लोगों की समस्याओं को सही तरीके से उठाकर और विकास के हर क्षेत्र में काम करेंगे। ओवैसी ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि औरंगाबाद को एक ऐसा प्रतिनिधि मिले जो समाज के हर वर्ग की चिंता करे और उनकी आवाज को विधानसभा में प्रभावी तरीके से उठाए। इस दौरे के दौरान औरंगाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में ओवैसी ने न केवल नासिर सिद्दीकी के चुनावी प्रचार के लिए समर्थन मांगा बल्कि एआईएमआईएम के अन्य कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी बातचीत की। ओवैसी का यह प्रचार अभियान औरंगाबाद सेंट्रल में एआईएमआईएम के लिए नए उत्साह और समर्थन का एक संकेत है। इस क्षेत्र में एआईएमआईएम के उम्मीदवार के प्रति बढ़ती लोकप्रियता से यह साफ है कि नासिर सिद्दीकी को भारी समर्थन मिल रहा है। सोशल मीडिया पर इस दौरे की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें ओवैसी साहब को स्थानीय लोगों के बीच घूमते हुए देखा जा सकता है। इन तस्वीरों में ओवैसी को बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ भी बातचीत करते हुए देखा गया जो इस दौरे को और भी खास बनाता है। ओवैसी का यह दौरा औरंगाबाद के लोगों को यह संदेश देने में सफल रहा कि उनकी आवाज को विधानसभा में गूंजने का मौका मिल सकता है। अब नासिर सिद्दीकी की उम्मीदवारी को लेकर माहौल तेजी से बनता जा रहा है। स्थानीय लोग और युवा वर्ग भी इस चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। एआईएमआईएम के नेता नासिर सिद्दीकी को आगामी 20 नवंबर को भारी समर्थन देने की अपील कर रहे हैं। इस चुनाव में न केवल नासिर सिद्दीकी बल्कि पूरी पार्टी की नज़र औरंगाबाद सेंट्रल पर है और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार एआईएमआईएम को एक ऐतिहासिक जीत मिलेगी।